गुड मॉर्निंग एवरी वन, वी आर ऑल सेट, सब कुछ पैक हो गया, एवरीथिंग इज रेडी, ही इज गेटिंग रेडी, हमेशा लेट करता है, लेकिन आज फिर लेट हो गया यार, 5 बज गया ऑलरेडी, हमको 5 बजे यहाँ से निकलना था, कोई नहीं, थोड़ा देर लेट होगा, एंड व्हाट आई वाज सेइंग इज आंध्र प्रदेश की ट्रैफिक, वेरी गुड, यू नो व्हाट, वेरी गुड, एज वी एंटर्ड आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे तो हम लोग ने ट्रैफिक झेला, इट वॉज लाइक 5-10 मिनट्स वहीं गवा दिए हम लोग. After entering Andhra Pradesh, it's like people are so awesome. They don't know any traffic rule. They don't know anything at all. मतलब बिना indicator दिए कहीं भी कुछ जाना है. Then उसके बाद highway तो इनका park है. कोई भी चलते कहीं भी घूमते दिख जाएगा तुमको. तो if you are coming to Andhra Pradesh ना, be prepared for that. And after sunset, हमारी इतनी हालत खराब हो गई थी क्योंकि after sunset we had to cross a 32-35 kilometers of patch on a one way side. सिंगल लेन रोड, नॉट वन वे, सिंगल लेन रोड. सो व्हाट एक्चुअली वाज इट कि सामने से जितने भी गाड़ी आ रही है ना, सब हाईवे पे आ रही है. यू गिव देम अ पास लाइट, दे वोंट पुट डाउन देयर डिपर. सो इट वाज लाइक कि हम लोग कहाँ आ गए. एंड मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा था ना कि मैं पॉकेट में पत्थर लेके क्यों नहीं घूम रहा हूँ, एक एक के सर पे मारू जाके. सी दैट इज द लेवल दैट आई वॉज पिस्ड ऑफ टू. नेक्स्ट टाइम इफ यू आर कमिंग टू आंध्र प्रदेश ना, आप एक काम करना, हेलोजन लेके आना अपने सर पे एंड उनके मुंह पे मार के देखना. आई एम जस्ट सेइंग इट, डोंट टेक मी सीरियसली. एनीवेज, सो वी आर लीविंग विजयवाड़ा राइट नाउ. टारगेट फॉर टुडे इज रामेश्वरम. यस्टरडे डे वन वी हैव कंप्लीटेड 953 किलोमीटर्स. वी केम टू विजयवाड़ा. टुडे डे टू. ओके, सो वी आर ऑल सेट टू लीव. सुधांशु रेडी? चलो, होपफुली आज फॉग ना हो यार. फॉग नहीं होगा तो आराम से 100-200 किलोमीटर हम लोग 7-8 बजे तक मार देंगे. धूप में आंध्रा की देसी पिज्जा उत्तपम. हम लोग ओंगोल पहुंच गए. ओंगोल, ONGOL, 140 किलोमीटर आउट ऑफ विजयवाड़ा. तो अराउंड 150 किलोमीटर्स डन. 2 घंटा हो गया. इस स्पीड से तो नहीं पहुंचेंगे भैया 1000 किलोमीटर आज. कोशिश है, स्पीड बढ़ा. नहीं, स्पीड नहीं बढ़ाना है अपने को, खाली स्टॉपेज कम करना है. अभी तक 2 स्टॉप हो गया हम लोग. फिलहाल तो अंगुल से निकल रहे हैं, ओंगोल से सॉरी. ये सिटी कैफे यहीं से हम लोग ने अभी उत्तपम खाया. वेरी गुड कॉफी, वेरी गुड. जस्ट राइट नेक्स्ट टू द हाईवे यहाँ है. राइट नेक्स्ट टू द हाईवे. यहाँ से नेल्लोर इज 170 किलोमीटर्स. हाउ मच? 140 किलोमीटर्स. सो नेक्स्ट स्टॉप विल बी नेल्लोर. 140 किलोमीटर्स होपफुली इन टू अस. यार आफ्टर ओंगोल NH16 has suddenly turned into an expressway. I like it. So we are finally, मतलब नॉट फाइनली, कल से ही हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे हैं, लेकिन वी आर ऑफिशियली इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. For those of you who don't know what the Golden Quadrilateral is, well, it's an highway network connecting Chennai, Kolkata, Delhi and Mumbai via many other cities like Bhubaneswar, Ahmedabad, Vishakhapatnam, शायद जयपुर भी है, etc. I don't know. बाकी जानकारी के लिए तो आप गूगल कर लो, उसमें आपको सब कुछ मिल ही जाएगा. Anyway, it is almost 7:30 and I will see you in Nellore in 2 hours. For sure, within क्योंकि इतना अच्छा रोड है तो आराम से 2 घंटे में नेल्लोर कंप्लीट हो जाएगा. नेल्लोर इज समथिंग अराउंड 170 or 160 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. यार सीरियसली दिस रोड इज सो ऑसम. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मतलब लुक एट द व्यू. मतलब व्यू के साथ तो ये रोड में और मज़ा आ रहा है. आई स्वेयर आई कम अगेन ऑन दिस रोड. ओके, वी जस्ट क्रॉस्ड नेल्लोर और मे बी वी आर क्रॉसिंग इट एट द मोमेंट. Almost 9:20, so exactly 2 hours. I am a man of my word. See, anyway, we are not taking a halt over here. We are still fresh and we can go further because abhi 2 ghante hua hai and अच्छा खासा road भी है, तो कोई tension नहीं है. तो Chennai is 180 किलोमीटर from here. नहीं, अपन Chennai नहीं जाने वाला direct. It's like we'll take a halt in some 50-60 kilometers from here.
सुधांशु किधर है भाई? हाँ ठीक है, he's fine. यार क्या था ये भाई साहब? जस्ट सेकेंड्स, आई कैन सी अ फ्यूल स्टेशन एंड थोड़ा फ्यूल भी कम है, सो रिफ्यूल करना विल बी अ समझदारी, बिकॉज एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे में जहाँ मौका मिले वहाँ बाहर निकल के आप रिफ्यूल कर लो. रिमेंबर दैट एक्सप्रेसवे में यू रियली डोंट गेट द चांस, एंड बहुत मतलब लाइक वो इंटरवल्स पे ही होता है, एंड दिस एक्सप्रेसवे इज स्पेशली बैरिकेटेड ऑन बोथ द साइड्स एंड प्लेसेस. तो देख के चलो, अभी फ्यूल भर के मिलते. ओके, वी हैड जस्ट टेकन अ हॉल्ट, थोड़ी सी भूख लगी थी एंड थोड़ा सा कुछ खा भी लिया, फोटोज़ वगैरह भी खिंचाने लग गए. एंड ठीक है, अभी चेन्नई इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एंड 80 किलोमीटर, हाँ भूख भी लगी थी, एंड देन वी थॉट कि हम यहीं पे कुछ खा लेते हैं, देन उसके बाद डायरेक्ट चेन्नई के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि चेन्नई एंड यू सी द टाइमिंग, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 12:30 1 o'clock, तो ये टाइम पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा अपने को चेन्नई में. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे आर एस चलाने का भी मन कर रहा था इस रोड पे एक बार ट्राई तो मारना पड़ेगा ना, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट. ऑलमोस्ट टू चेन्नई और 20 किलोमीटर बचा है. आज दिन का 400 के ऊपर तो कर दिए, लेकिन आई स्वेयर मतलब सिर्फ सुबह से एक उत्तपम खाया एंड बाकी तो सिर्फ कॉफ़ी के अंदर, इट्स ऑल कॉफ़ी इन साइड एंड वाटर, कॉफ़ी और पानी के अलावा कुछ गए नहीं अंदर, और कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा है. एनी वेज, मोस्ट प्रॉब्ली वी विल टेक अ हॉल्ट इन चेन्नई, नहीं चेन्नई नहीं रुकेंगे यार, वाई अभी रुके हैं 20 किलोमीटर, मोस्ट प्रॉब्ली वी विल टेक अनदर हॉल्ट एट अराउंड 50-60 किलोमीटर्स.
वी जस्ट हैड अ लंच, लंच नहीं बोल सकते, आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा यार, थोड़ा सा ही कुछ खा लिया. एनीवे दिस प्लेस इज चेंगलपट्टू समवेयर 60 और 70 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई, आफ्टर चेन्नई यू मीन, आई मीन सॉरी. एज वी एंटर चेन्नई मैंने सोचा ही था पहले ट्रैफिक मिलने वाला, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी. एंड देन वी थॉट कि हम बाहर ही निकल के खाएंगे, तो ट्रैफिक भी था. एंड देन उसके बाद मेरा कैमरे का बैटरी भी थोड़ा डाउन हो गया था, तो आई वॉन्टेड टू चेंज इट, लेकिन फिर वही बाहर निकल के चेंज करना वॉज गुड इनफ. ओके समवेयर अराउंड 330 एंड नॉट इवन 100 किलोमीटर्स आउट ऑफ चेन्नई. यार ट्रैफिक में फंस के बहुत दिक्कत हो गया. एनी वे अभी वी गॉट टू हरी. सी दिस आई वॉज जस्ट सेइंग टू माई सेल्फ कि बहुत गर्मी है एंड धूप एकदम मुँह पे लग रहा है, एंड देखो भगवान ने सुन ली पूरा. वैसे भी अपन थोड़ी देर में रुकने वाले, वील टेक अ स्टॉप. ओके 600 किलोमीटर्स डन, वी आर एट विल्लुपुरम. विल्लुपुरम इन तमिलनाडु, आई डोंट नो वेयर इज इट एग्जैक्टली. तिरुचिरापल्ली से कुछ 120 या 40 किलोमीटर पीछे, तो नेक्स्ट स्टॉप विल बी तिरुचिरापल्ली. वेल मैन मैं वही चीज बार बार रिपीट करूंगा, दिस रोड इज ऑसम, दिस रोड इज रियली ऑसम. लुक एट इट, लुक एट इट भाई साहब, बस किस करने को दिल हो रहा है एकदम, मतलब किस कर दूं. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दिस लैंडस्केप, मतलब देखो मेसमराइजिंग बोथ टुगेदर. एंड सनसेट भी हो रहा है एंड अच्छा लग रहा है यार, मतलब इस रोड में चलाने में मज़ा आ रहा है. खैर सनसेट तो हम कन्याकुमारी में देखेंगे. कन्याकुमारी आई एम कमिंग, कन्याकुमारी सनसेट आई एम कमिंग. द सन इज डाउन बट लुक एट द होराइजन, इट स्टिल लुक सो ब्यूटिफुल. मतलब थोड़ी सी लाइट है एंड कितना अच्छा दिख रहा है. एंड आई मस्ट से राइडिंग इन नाइट इज सो डिफिकल्ट, मतलब लाइक शाम हुआ नहीं एंड लोग सामने से हाई भी मारना चालू कर दिए मुंह पे, कैसा लगेगा. मतलब वी आर राइडिंग ऑलमोस्ट हाफ ब्लाइंडेड. ए भाई तू काय को रुक रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया भाई. ओके सो ही इज गुड टू गो, ही वॉज जस्ट लुकिंग फॉर मी कि मैं रुकने वाला हूँ कि नहीं. ठीक है वी विल टेक अ स्टॉप. ओके वी जस्ट टुक अ डोज ऑफ आर कॉफ़ी, चाहिए था, बहुत देर से सोच भी रहते कि रुकेंगे करके. एनी वे एंड वी डिसाइडेड कि वी विल स्टे इन तिरुचिरापल्ली. तिरुचिरापल्ली इज ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड इट्स 7:45 एंड अभी लिटरली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द रोड एंड हमारी कंडीशन के हिसाब से वी माइट टेक टू अस फॉर 70 किलोमीटर्स, होपफुली लेस. यार ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ही लगना चाहिए यार आई गेस. हाँ वी आर ऑलमोस्ट हियर, अभी भी 8 किलोमीटर है जाने को, लेकिन वी हैव ऑलमोस्ट एंटर्ड द प्लेस. सो वी जस्ट टुक अ सुसु ब्रेक एंड मैप पे सेट कर दिया, वी बुकड अ होटल ऑन ओयो, नहीं ओयो नहीं, इस बार इस पे बुक किया था, आईबीबीओ पे बुक किया. एंड देन वी मार्क द होटल एड्रेस, होटल ऑन द मैप एंड देन वी आर गोइंग फॉर द होटल. सो द होटल इज 8 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. यस एंड हमें पार्किंग एरिया चाहिए था, होटल के पास अच्छा पार्किंग स्पॉट दिखाया तो हमने ले लिया. ओके सो गाइज दिस इज़ अ होटल, नहीं नहीं ये वाला डी आगे जा रहा, आगे आगे वाला है, एक सेकेंड. कौन सा है भाई. ओके दिस वन PL रेसिडेंसी, PLA रेसिडेंसी. ओके सीधा पार्किंग, पार्किंग भी अच्छा है, सामने ही पार्किंग है एंड देन दिस इज़ द मेन गेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग भी हो जाएगी. सो गाइज वी आर वेरी टायर्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. वील जस्ट गो ऑफ टू स्लीप, वील हैव अ डिनर एंड देन वील गो ऑफ टू स्लीप. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू आर स्टिल स्टेइंग ओवर हियर, तो एक लाइक मार के जाओ यार उसमें एंड देन शेयर द वीडियो एंड लेट योर फ्रेंड्स नो. सो एनी वाइज बाय, गुड नाइट, वील ऑल्सो स्लीप एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग. Lost to your war, shot me dead. I was lost and sad to the voices in my head. I gotta